खबरों की नई पहचान। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान व्यापारियों कारोबारियों को धमकी देकर बड़े पैमाने पर पैसे की वसूली कर रहा है। इसके लिए प्रिंस खान के कई गुंडे काम कर रहे हैं। 6 महीनों में इसके गुंडे द्वारा करोड़ों का लेन देन हुआ है। इसका खुलासा आज रविवार को हुआ। एसएसपी संजीव कुमार ने अपने कार्यालय कच्छ में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। बताया कि फरार प्रिंस खान अपने गुंडों के द्वारा फायरिंग करवा कर धमकी दिलवा कर पैसे वसूल रहा है। इसमें पुलिस की विशेष टीम ने एक महिला समेत 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार धनबाद के क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायिक संगठनों को या जो व्यवसाय करते हैं उनको एक्सटॉर्शन कुछ कॉल्स आ रहे थे, जिस संबंध में हम लोगों ने कई कांड भी दर्ज किए हैं। और इस संदर्भ में एक पूरी हमारी टीम, पुलिस उपाधीक्षक लॉ एंड ऑर्डर और इंस्पेक्टर केंद्रवाड़ी और अन्य जो वरीय पदाधिकारी और हमारे जो बैंक बोर्ड का अफसर इंचार्ज और उनकी पूरी टीम जो है, बाकी अगल बगल के थानों को एक बड़ी टीम हम लोगों ने लगा रखा था इस पूरे एक्सटॉर्शन रैकेट को के ऊपर को नैप करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए, इसकी पूरी जो कार्यशैली है उसको उजागर करने के लिए। तो उसी में कुल 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः जो एक्सटॉर्शन का जो इनका पूरा रैकेट था, जिस हिसाब से चलता था, जिसमें एक बंदा पैसा कलेक्ट करता था, कुछ बंदे लोगों चार बंदे थे जो लोगों से पैसा कलेक्ट करते थे, और कुछ थे जो उस पैसे को खपाने का काम करते थे, और इसका जो किंग पिन था सद्दाम वो भी पकड़ा गया है। तो ये पूरा एक्सटॉर्शन रैकेट पकड़ा गया है, जिसमें कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और इनके साथ एक हथियार, एक कट्टा और कुछ 1 लाख एक्सटॉर्शन का पैसा जो इनके पास उस वक्त था वो पकड़ा गया है। ये बहुत ही इन्होंने बड़ा ही मेटिकुलसली इसको प्लान किया हुआ था, जिसमें करीब 300 ट्रांजेक्शन्स हम लोगों को पता चला है, जो पिछले 6 महीने में इन लोगों ने 300 ट्रांजेक्शन्स किया है अलग अलग CSP के थ्रू और बैंकों के थ्रू भी, और करीब 85 के आसपास जो इनका अकाउंट्स, डिफरेंट अकाउंट्स जो अलग अलग जगह इन लोगों ने खोल रखे थे जिसमें पैसे जमा किए गए हैं, वो सभी पता चला है। तो पूरा एक हेवी ब्लो है इनके एक्सटॉर्शन रैकेट पे, और हमको लगता है कि हम लोग अगर इसको, जो हमारी टीम ऑलरेडी अनुसंधान कर रही है, और हम लोग इसका पूर्ण तरह से सफाया करने में सफल होंगे, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो इनके जो अकाउंट्स है, जो पैसे है, पैसे का हेर फेर करने में, पहुंचाने में, पैसा लाने में, जितने लोग भी शामिल हैं, वो सभी उसमें से 10 लोग अभी हमारे गिरफ्त में आए हैं, और जो बचे हुए हैं वो सभी को हम लोगों ने चिन्हित भी कर लिया है, जिनके अकाउंट्स को ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जिस अकाउंट से वो लोग पैसा फर्दर भेज रहे हैं, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क है, उस नेटवर्क को हम लोग में जो कुछ बचे हुए हैं वो भी जल्दी गिरफ्तार होंगे, और इनकी जो पूरी पैसा एक्सटॉर्शन मनी का जो इनका रैकेट था उसको हम ध्वस्त करने में कामयाब होंगे। खबरों की नई पहचान।